पानी 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 बंद कर रहे हैं, इंडिया पानी बंद कर दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, हमारे पास कौन से डैम है भाई? इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है, वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं, बहुत बड़ा मुल्क कुछ भी नहीं, हमारी नजर वो कीड़ी जितना मुल्क है, कीड़ी जितना छोटा सा ठीक हो गया। कमिंग सुपर पावर्स में आप भारत को जाता देख रहे हैं? बिल्कुल जाता देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। पाकिस्तान को चाहिए कि एटम बम चला देना चाहिए, अपना मुंह और जुबान बंद रखे। पाकिस्तानी फौज एक ताकतवर फौज है और उसे अपने मुल्क की वज करनी आती है। इंडिया जो है वो हमें उलझाने की कोशिश करता रहता है किसी ना किसी तौर। काम हमें करना चाहिए था वो इंडिया ने कर दिया, अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है। उसने पाकिस्तान पे हमला करना है, गिलगित बल्तिस्तान उसने लेना है। पिछले दिनों उसका इंटरव्यू आया है मोदी का, वो अपने उसके इलेक्शन आ रहे हैं, उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान लेना है, और उसने जो तालिबान है उनको वार्न किया है आप इनकी टेरिटरी में आके मत हमारे ऊपर हमला करना। पाकिस्तान को चाहिए किसी से पंगा न ले, अपनी मीशत को अच्छा करे। जैसे अब रावी देखते हैं बिल्कुल फूक चुकी है, उन्होंने पानी बंद ही किया हुआ है। इंडिया पानी भी बंद करेगा, इंडिया यहाँ पे समझ लें ट्रेड भी नहीं करेगा, क्यों पाकिस्तान सिचुएशन में ऐसी खड़ा है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है इस काम के अंदर, कि दुनिया का नंबर वन कंट्री वो बन गया, सबसे ज्यादा अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला कंट्री। नो डाउट इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम पे, उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। इंडिया का तो खैर साथ देना ही नहीं चाहिए, इंडिया ने ही तो ये कदम उठाया। वो दफा करो इंडिया की साइड है, नाटी नजर जो फारे की मुल्क गया है, दुनिया का जो पावरफुल नंबर वन ये फारे एटम जो है हमारे मुल्क है, वो खुद ही मानता है, झुकेगा मनेगा ना मनना पड़ेगा। पाकिस्तान का पानी जो है वो इंडिया बंद करने जा रहा है, इंडिया ने बोला है कि हम अपना पानी जो है पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, रावी नदी के ऊपर एक नया डैम बनकर तैयार हो चुका है और 25 फरवरी के बाद उसमें पानी स्टोर होना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद रावी नदी का जो पानी पाकिस्तान में जा रहा था वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब ये खबर पाकिस्तान में आग की तरह फैल चुकी है और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो आप इंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार होगा। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया ने पानी छोड़ दिया, हमारे पास कौन से डैम है भाई? सबसे पहले तो एक सिंतास मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो नहीं कर सकता, पानी बंद नहीं कर सकता उस मुआहिदे के लिए। अब तो कहते हैं भाई उन्होंने पानी रोक दिया, अगर तो वो खोलते भी हमें चाहिए कि अपनी पहले से ही वो करके रखे। वो जरात भी तो नहीं ना कि हम पानी स्टोर कर ले, अगर वो पानी छोड़ भी देते कहाँ रावी में रखना है, रावी तो पहले ही इतना गंदा है, वो नाला लगता है यार। और हमें चाहिए कि हम पहले से ही डैम का इंतजाम अपना करके रखें। कौन सा काला डैम बाग किधर है हमारा, वो सकी अनुसार पैसे लेके चला गया। ये बात है अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट की। वेरी गुड, वेरी गुड। जो इतने जब से पाकिस्तान बना तब से कोई भी गवर्नमेंट अपना अच्छा पूरा नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक, जब तक 2/3 गवर्नमेंट नहीं आएगी कुछ भी नहीं हो सकता। करेंसी हमारी दिन ब दिन गिरी जा रही है। क्यों गिर रही है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान को देखो, आप सारी कंट्रियों को छोड़ो। हाँ, अफगानिस्तान को देख ले, तालिबान है, उनकी करेंसी किधर जा रही है? हमसे ऊपर जा रही है। इंडिया ने उधर इन्वेस्टमेंट भी की है अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में भी इंडिया इन्वेस्टमेंट कर। वो तो सार्क भी है ना, इस वजह से इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ है। अब इस तरह देखे जैसे चाइना, वहाँ पर पब्लिक की हुकूमत है, जब तक पब्लिक की हुकूमत नहीं ना होगी तब तक वहाँ पर सिंगल पार्टी है, यहाँ पर हमारी 2700 पार्टियाँ जो हुकूमत चला रही होती हैं, जिनको आप मिक्स चार दोबारा बन गया। आपने देखा कि चाइना की इंडिया के साथ जंग भी है बड़ी, ठीक है, लेकिन उनकी ट्रेड बंद नहीं, ट्रेड बंद नहीं, वो उसकी वजह यही है। इंडिया ने कह दिया है कि हम जो है ना पाकिस्तान का रावी का जो पानी है उसे रोकेंगे, अपनी जो है कश्मीर में पानी लगाएंगे, उनके पास जो कश्मीर है और वगैरह जो फसलें वगैरह जो है उनके इलाकों में, ठीक है, उधर पानी लगाएंगे, पाकिस्तान का पानी हम बंद कर देंगे। ऐसा हमारे साथ क्यों हो पा रहा है और हम डैम क्यों नहीं बना रहे सर? सर, एक शेर है कि मुद्दा लाख बुरा चाहे जो होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंडिया जो मर्जी कर ले, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को काम करना चाहिए। कई गवर्नमेंटें आईं, कोई ने यहाँ तक मुशर्रफ ने कहा था हम भाषा डैम बनाएंगे, फलाना डैम बनाएंगे, लेकिन अभी तक डैम नहीं बना, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही, इशू गैस की लोडिंग ख़त्म नहीं हो रही, यही हमारे मिसाल है। तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अब जो भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान की वाम के लिए आए और महंगाई पर कंट्रोल करे। इंडिया अपना मुँह और ज़ुबान बंद रखे, पाकिस्तानी फौज एक ताकतवर फौज है और उसे अपने मुल्क की वज करनी आती है। सर, क्या लगता है, आपने भी देखा होगा कि इंडिया हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क,
आज तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। उनका एग्रीकल्चर देख लें, उनकी डेवलपमेंट देख लें, उनका एजुकेशन निज़ाम देख लें, पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं सर? हमारा भी दिल करता है, हमारा भी मुल्क आपकी बात शॉर्टकट करप्शन का हमारे मुल्क में कंट्रोल नहीं हुई। करप्शन जिसने आया है लुटा है, जिसने आया है मुल्क आवाम के लिए नहीं है। पैगाम इंडिया के लिए, आप जितना भी बंद करोगे रबी आलमीन बंद नहीं कर सकता। इंशाल्लाह में अल्लाह पाक कई और से पानी दिलवा देगा, बारिश की सूरत में, डैम की सूरत में, और कई बरमे की सूरत में हमें दे देगा। हमें इंडिया की बातों में नहीं आनी चाहिए। काला बाग डैम किधर है हमारा? काला बन रहा था काला बाग डैम तो हमारे सियासतदानों की नज़र लग गई हो गए। इंशाल्लाह भी पाकिस्तानी कई और बलूचिस्तान में अच्छे अच्छे डैम बनाने के सोच रहे और उस पर काम भी जारी है। इंडिया का साथ नहीं देना सवाल है। इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है। वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं, बहुत बड़ा मुल्क कुछ भी नहीं। हमारी नज़र वो कीड़ी जितना मुल्क है, कीड़ी जितना छोटा सा ठीक हो गया। तो उनका जहाँ पे उसी कीड़े जितने मुल्क ने फलस्तीन के लिए मदद करने के लिए कदम उठाया, पाकिस्तान ऐसे को मदद नहीं करता। ये अंदर की गेम है, अंदर की गेम समझिए, अंदर की गेम हो रहा है, बाहर की गेम हो रहा है, ये आपको भी नहीं पता। क्या लगता है इसमें क्या गेम शामिल? गेम बस उन्होंने प्लानिंग की है, हिंदू प्लानिंग तो करता है, वार हमेशा से करता है, मुसलमान जो होता है वार सामने से करेगा, वो कभी कान के प्लानिंग से मुराद, प्लानिंग से मुराद सियासत में सिस्टम होता है ना, ये चीज होती है। वैसे ये है, अब ये बंदा खड़ा हुआ, इसको मैं कहता 5 करोड़ भैया, ओके यस मैस ठीक है, आपको पता क्या क्या बात हुई, अंदर क्या गेम हो गई? आप तो भाई नहीं हुई ना, आपको पता क्या सियासत हो रही है, क्या बात चल रही है, आपको भी नहीं पता। अच्छा आप ये चीज़ मुझे ये बताएं कि उन्होंने एक पॉजिटिव वे में एक कदम उठाया है, एक पॉजिटिव दिखावा है। कदम जब भी उठाते हैं ना वो मुसलमान हमदर्दी उठाते हैं। अंकल का कहना है कि इस चीज में जो है ना वो साजिश शामिल है, इंडिया की इसमें कोई मनफी सोच कहानी है जी 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 मैम जी। सर अगर बात की जाए इस टाइम 17.4% जो है वो भारत अपने टोटल GDP के अंदर जो है एग्रीकल्चरली कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, बचपन से सुनता के पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सर लिस्ट में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान है ना, ये ज़िम्मेदार को फैसिलिटेट नहीं करते। ज़िम्मेदार दर बदर जब उसने गंदम बोनी होती है, यूरिया खाद नहीं मिलती, ज़िम्मेदार लाइनों में लग के सारा सारा दिन जाके शाम को खाद की एक बोरी मिलती है, इसी तरह ज़िम्मेदार वो पैदावार नहीं दे सकता जो यानी कि दूसरे ममालक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जदीद उनके पास ज़री आलात हैं, ज़री मशीनरी है, हमारा वो बोगस निज़ाम है पुराना ही। जैसे हम चावल की गंदम को मतलब जब बोते हैं या हार्वेस्टर से काटते हैं ना, वो फुजला होता है, वो ज़िम्मेदार अगर आग नहीं लगा सकता FIR दे देते हैं, पर्चे दे देते हैं, और ज़िम्मेदार इतना फ्री तो नहीं सारा दिन वो यानी कि वो फजलात इकट्ठा करे, आग लगाएं तो FIR हो जाती है। हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, किसान को खाद नहीं मिलती, यही फुकदान है कि गवर्नमेंट यानी कि जिम्मेदार के साथ मुखलिस नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अभी तक आपने भारतीय मीडिया पर भी ये खबर सुन ली होगी कि रावी नदी के ऊपर जो नया डैम बनकर तैयार हुआ है, रिपोर्ट के मुताबिक 25 फरवरी के बाद उसमें पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। रावी नदी का जो 100% पानी है वो सिंधु जल समझौता जब हुआ था उस टाइम पर भारत के हिस्से में आया था, तो इतने सालों तक वो जो पानी है वो पाकिस्तान में बहकर जा रहा था, लेकिन भारत सरकार ने नया डैम बनाया है और इसके तहत अब जो है ना रावी नदी का पूरा जो पानी है ना वो रोक दिया जाएगा और उस पानी को जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों को दिया जाएगा ताकि वहाँ पर पानी की वजह से किसानों की फसलें ना सूखे, उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अब ये खबर पाकिस्तान के अंदर फैल चुकी है तो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, जज्बा तो बहुत है पाकिस्तानियों में और उसी जज्बे के चलते जो है ना पाकिस्तानी किस प्रकार की बातें करते हैं, इन लॉजिकल जो बातें ये करते रहते हैं वो आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है। बाकी आपको अगर इस वीडियो को लेकर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।